लेकिन आज आपको एक नज़ारा ये दिखा देते हैं कि किस तरह ये भगवा उत्तर प्रदेश नीला हो चुका है आज। योगी आए चाहे मोदी आए, पता नहीं चलता लखनऊ में कि आए हैं, केवल दो नंबर हाईवे तक पता चलता है, लेकिन जब मायावती जी आती हैं पूरे लखनऊ में पता चलता है कि मायावती जी आए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। योगी जी का उत्तर प्रदेश भगवे रंग से एकाएक नीला हो गया है। जिस तरफ आप नजरें उठाकर देखेंगे, मैं अगर आपको दिखा सकती हूँ, जहाँ तक आपकी नजर जाती है यहाँ नीले कलर्स आपको हर तरफ दिख रहे होंगे, नीले रंग में रंगा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये कारण दरअसल ये है कि कल 9 अक्टूबर है, यानी मान्यवर साहिब कांशीराम की कल पुण्यतिथि है। कल उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और कल उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। अपने आने वाले चुनावों में भी इसकी तैयारी नज़र आने वाली है। कहा जा रहा है कि 4 लाख से भी ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। बहुत बड़े आयोजन की तैयारी है। माननीय कांशीराम साहेब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और एक ऐसी पार्टी जो बहुजनों की पार्टी के साथ साथ भारत की सबसे मजबूत पार्टियों में, सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार हो गई देखते ही देखते, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर इस तरीके का आयोजन तो लाजमी है। तो चलिए आपको ये नज़ारा पूरा दिखाते हैं कि ये जो नीला रंग है ये इतने तक ही सीमित नहीं है, आज लगभग पूरा लखनऊ इन्होंने नीले रंग में रंग दिया है। आइए आपको यहाँ बैठकर पूरा ये नज़ारा एक बार दिखाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अविनाश। अविनाश भैया हमें बता रहे थे कि बचपन से वो देख रहे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियाँ होती हैं उसका कोई तोड़ नहीं है और ना ही जोड़ है, हाँ भैया? जी जी एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही है ना। हाँ। योगी आए चाहे मोदी आए, हाँ। पता नहीं चलता लखनऊ में, हाँ। कि आए हैं, हाँ। केवल दो नंबर हाईवे तक पता चलता है, हाँ। लेकिन जब मायावती जी आती हैं, हाँ। पूरे लखनऊ को पता चलता है कि मायावती जी आ रही हैं। मतलब इनकी तो तैयारियाँ होती है, तैयारी होती है, आप खुद ही देख रही है कैसी है, पूरे लखनऊ को पता है कि हाँ मायावती जी आ रही है। अब बताइए इसमें उनमें कितना अंतर है? लेकिन पोस्टर लगवाने में हमेशा तो... इन्होंने काम किया है, अच्छा ही किया है, हाँ। नौकरियां दी, मकान दिए, हाँ। हर चीज किया, हाँ। इन्होंने क्या किया हमें ये बताओ? आते साथ ही नोटबंदी कर दी, हाँ। है फिर लॉकडाउन चला, हमने बचपना हमारा बीत गया, आज तक अभी हमने कोरोना की बीमारी नहीं सुनी, हाँ। अभी खाली कौन सी बीमारी आ गई हमें ये बताओ? दुकानें बंद करा दी, सब बंद करा, क्या फायदा मिला? दारू ढेके तो खुलवा दिए तुमने, दारू ढेके खुलवा दिए, जब इंसान कमाया करें तो पिए कहाँ से, कमाने जरिया भी तो दोस्त को। अब ये बताओ इसमें भाई हम लोग रिक्शा चलाते हैं, कमाई हम लोग मर गई है, 10 रुपये इंसान से मांगो कहता है 10 रुपये कहाँ पड़ते हैं, 5 रुपये पड़ते हैं, तो बताए 5-5 रुपये में कोई कमाई होती है? महंगाई भी इतनी है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल के दाम देखो कहाँ पहुँच गए, कहना इनके राज में कभी कुछ तो सही था, कहते औरतें हमने सेफ तो सही इज्जत से तो टहल ली नहीं, गुंडा राज तो नहीं था, पूरा तो गुंडा राज कर दिया तुमने हर जगह में, तो कहते हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, महंगा खत्म किया है, इससे अच्छा इनकी सरकार में थी, कहना पुलिस वाले डरते थे कि हाँ वो बैठी हुई हैं, कोई भी एप्लीकेशन डालो तुरंत सुनवाई होती है इन्हीं में, हाँ भाई आ रहे चलो आ रहे, मतलब महिला मुख्यमंत्री होने का फायदा है ना, इनका आने का फायदा है, ये जी हम कह रहे हैं आने से इनके बहुत सुधार है लखनऊ में, लखनऊ के अपने पूरी यूपी में, हाँ। इनकी सरकार अच्छी है, अच्छी है। तो भैया को लगता है कि आने वाले समय में मायावती की सरकार आ सकती है? आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अब ना आए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपनी किस्मत है, कोशिश तो कर रहे हैं सभी, अरे कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं कोशिश, अखिलेश भैया भी सही हैं, उनके सरकार में थोड़ा सही थी, मतलब बीजेपी छोड़ के, बीजेपी जो जब से आई है बर्बादी है, जो ना सुना है वो भी सुन लिया है, तो मतलब बीजेपी छोड़ के कोई आ जाए, कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यादव भैया जी आए चाहे मायावती जी आए, प्रियंका गांधी जब से आई है तब से तो लग रहा है कि कुछ होगा, भगवान जाने क्या होगा, देखा जाएगा वो भी, अब हम लोग नहीं हमारे बच्चे देखेंगे, अच्छा मतलब कांग्रेस को इतना पीछे छोड़ दिया आपने कि बच्चे आ गए आपके, अब वो बात ही देखी जाए कि भाई क्या है, लेकिन जो हमारे समय में जिन्होंने हमारे लिए किया है, हाँ। तब उनको कहेंगे ना, हाँ। भाई इन्होंने हमको मकान दिया है, हाँ। हमारा मायावती कॉलोनी में मकान है हमारे बामा जी का, उनको मायावती ने कॉलोनी दी है, जो मायावती काशी वो कहते हैं आवास विकास बोलते हैं मायावती का, वहाँ पे हमारे, हाँ वहाँ पे पारा में हमारा मकान है, रूम है हमारा बढ़िया रूम है, टाइल्स वगैरह वेल फिनिश पूरा है, हाँ। दो कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, हाँ। सब कुछ है, क्या लेंगे बच्चे जान लेंगे अब इसमें, हाँ, सही बात है भाई, इतना तो योगी जी ने अभी तक नहीं दिया, हमने ये तो सुना ही नहीं अभी तक, तो 5 साल में आपको कुछ नहीं मिला,
5 साल में यही मिला है, नोटबंदी सुनी है, लॉकडाउन सुना है, घर के अंदर बैठे हैं, बस महंगाई और महंगाई देखी है। बुजन समाज पार्टी अपनी रैलियों के लिए जानी जाती है, इनकी रैली में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं होती। ऐसे में मान्यवर कांसीराम साहिब की अगर पुण्यतिथि है तो उसमें आयोजन में और ज़्यादा भीड़ की गुंजाइश है, क्योंकि उनके जो चाहने वाले थे, उनको जो मानने वाले लोग हैं समाज के, दलित और पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं, वो भी अपना प्यार दिखाने के लिए, उन्हें याद करने के लिए इस दिवस पर आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ की तादाद आप शायद सोच भी नहीं सकते। कल यहाँ वो भीड़ होगी और कल भी हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, लेकिन आज आपको एक नज़ारा ये दिखा देते हैं कि किस तरह ये भगवा उत्तर प्रदेश नीला हो चुका है। आज यहाँ हर तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के, कांशीराम साहेब के और मायावती, कुमारी मायावती के। ये मान्यवर कांशीराम साहेब के बारे में जितना लोग अगर जानते हैं तो वो इन्हें जानते होंगे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही साधारणता के साथ चीज़ों को लिया। उन्होंने वो हमेशा बाबा साहेब को टाई वाले बाबा कहते थे, ज्योतिबा फुले को पगड़ी वाले बाबा कहते थे। उनकी भाषा शैली ऐसी थी कि लोग आसानी से समझ जाए, लोग आसानी से उनसे जुड़ जाए। ऐसे ही वो कई वाक्यों का प्रयोग करते थे, ऐसे ही कई मुहावरों कहावतों का प्रयोग करते थे, जिससे वो बहुजन समाज के लोगों को आसानी से अपनी बात समझा सके। और इसी संदर्भ में उनकी एक पेन वाली कहावत है जो बहुत फेमस है। वो अक्सर कहा करते थे लोगों को समझाने के लिए कि पेन जो होता है उसे चलाने के लिए किसकी, कैसे चलता है पेन? तो लोग कहते थे रिफिल से या इंक से पेन चलता है, लेकिन हिस्सा दिखता कौन सा है? तो पेन का ऊपरी हिस्सा दिखता है। अब तो हमेशा वो कहते थे कि मान्यवर कांची साहब की, ऐसे में अगर पेन का कवर ना भी हो तो पेन चल सकता है, लेकिन अगर रिफिल ना हो या इंक ना हो तो पेन नहीं चल सकता। तो ये जो पेन की रिफिल है, ये वो 85% लोग हैं जो बहुजन हैं, जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, जो कि सबसे ज़्यादा, जो किसी को दिखते नहीं लेकिन सबसे महत्व रखते हैं राजनीति में। और ये जो उसका कवर है, जो ऊपर का जो ढांचा है, ये वो 15% सत्ता पर काबिज लोग हैं जो सबको दिखते हैं, जो सत्ता संभालते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावट के लिए हैं। इस तरह वो बहुजन समाज के लोगों को उनकी ताकत से रूबरू कराते थे, इस तरह वो बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते थे। और इसी तरह उन्होंने इस हद तक लोगों को जोड़ा कि बहुजन समाज पार्टी देखते ही देखते पहले चुनाव में हारी। हमेशा वो कहा करते थे कि पहला चुनाव हम हारेंगे, दूसरा हराएंगे और तीसरा जीतेंगे, और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने इंदिरा लहर के बीच में चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया, वो हारने के लिए ही लड़ रहे थे, हारे भी, लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता गया। और फिर वो दौर भी आया जब बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, ये उनके ही, मान्यवर कांशीराम साहिब के ही कोशिशें थी कि बहुजनों ने बहुमत की सत्ता को पहली बार जाना, बहुमत को पहली बार चखा उन्होंने। स्वाद कैसा होता है सत्ता का अपनी, ये बहुजन समाज के लोगों ने समझा। और ये है कांशीराम साहिब के आदर्श। बाबा साहेब ने बेशक एक ब्लूप्रिंट के तौर पे संविधान को देश को दिया था, उसमें समानता, एकता, स्वतंत्रता जैसे शब्द दिए थे, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को अगर धरातल पर किसी ने उतारा तो वो थे मान्यवर कांशीराम साहिब। अक्सर उन्हें दलित नायक के तौर पे जाना जाता है, बहुजन नायक के तौर पे याद किया जाता है। और देखिए ये पूरा जो एरिया है मान्यवर कांशीराम साहिब जी का, ग्रीन पार्क जिसे कहते हैं, मायावती जी का बनवाया हुआ है, ये पूरा एरिया नीले झंडों से, नीले पोस्टरों से ढक गया है। लगभग यही नज़ारा पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में आज आप हर तरफ देखेंगे। और क्योंकि कल ही ये आयोजन है, कल ही 9 अक्टूबर है, तो तैयारियां भी जोरों शोरों पे हैं। नेतागण और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सड़कों पर हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल यहाँ मायावती भी मौजूद रहेंगी, उसके अलावा महासचिव बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, उनका पूरा परिवार जो कि राजनीति में उतर ही चुका है लगभग अप्रत्यक्ष तौर पे, वो सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। और इस तरीके से आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा, बहुत बड़ा मोड़ मिलने वाला है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी दिखाएगी कि वो, क्योंकि अक्सर आरोप लगते रहे कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ गई है, सोई हुई थी अब तक, यहाँ से पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी में कितना जनाधार बाकी है, कितना दमखम बाकी है और आने वाले चुनावों में उनकी हिस्सेदारी कितनी होने वाली है। देखिए यहाँ जितने भी संगठन, बाम से, डीएस4,
ये जितने भी संगठन हैं जो काशीराम साहेब ने अपने प्रयत्न से बनाया था, अपनी साइकिल यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की साइकिल यात्रा वो कर चुके थे अपने इस कोशिश के दौरान, लोगों को जोड़ते थे और उनसे चंदा लिया करते थे, हर परिवार से चंदा लिया करते थे, एक नियत चंदा, और उसके ज़रिए उन्होंने इस तरीके से ये राजनीतिक पार्टी बनाई। राजनीति में उन्होंने आज बहुजन समाज को जो नेतृत्व दिया है उसका बहुजन समाज हमेशा ही उनका ऋणी रहेगा। 2006 में 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद आज भी उनकी जो योगदान है उनके बहुजन समाज पार्टी और बहुजनों और दलितों और पिछड़ों की जिंदगियों में, उसे लोग नहीं भूल सकते और उसे याद करना और उसे याद रखना भी उनके लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही उनकी सीख भी ज़रूरी है। वो लगातार कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजनीति में हिस्सेदारी को वो हमेशा ही महत्व दिया करते थे और उसके लिए ही वो जीवन भर प्रयासरत रहे। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा भी है उनको लेकर। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने माननीय कांशीराम साहेब को देश का राष्ट्रपति बनने का न्योता दिया था। ज़रा सोचिए, देश का प्रथम व्यक्ति बनने का न्योता किसी को अगर दिया जाए तो वो क्यों मना करेगा? इतना बड़ा पद अगर किसी को ऑफर किया जाए तो वो खुशी खुशी ले लेगा। लेकिन माननीय कांशीराम साहेब ने वो जो ऑफर था उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे जो पद देना चाहते हैं मैं वो नहीं चाहता, मैं देश का राष्ट्रपति नहीं, देश का प्रधानमंत्री बनके सत्ता पे काबिज होना चाहता हूँ। वो सत्ता को हमेशा मानते थे कि आपके सफलता का जरिया है, बहुजन लोगों दलितों पिछड़ों के उत्थान का जरिया सत्ता है, ना कि राष्ट्रपति बनके किनारे बैठ जाना, वो ये नहीं चाहते थे। आज अक्सर लोग कहते हैं कि आज एक दलित राष्ट्रपति है, इससे ज़्यादा दलितों का उत्थान कितना होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही था तो कांशीराम साहेब उस वक्त ही राष्ट्रपति के तौर पे आसीन हो सकते थे, दलितों को सबसे बड़ा पद दिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने वो पद ठुकरा दिया और उसके बाद उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी सत्ता के लिए उसका असर भी दिखा। उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी एक बार नहीं कई बार सत्ता में आई। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की और उन्होंने यहाँ शासन किया। नहीं, लेकिन जब आते हैं मोदी जी तो कोई ना कोई नया काम लेके जाते हैं। एक आएंगे वही अपना 8 बजे उनका टाइम है। हाँ। भाइयों बहनों, हाँ। ये चीज होने वाला है। हाँ। बस खत्म, उसके बाद चले जाएंगे। चले इनका 8 बजे से लेके 10 बजे तक में टाइम इनका बना हुआ है। हाँ। जैसे ही आए, हाँ। सरकार सीट में बैठे, सबसे पहले रात में 12 बजे 8 बजे आके बोले आधे दिन, भाइयों बहनों 500,000 की नोट बंद हो जाएंगी 12 बजे रात से, ले 2,000 की नोटें चला दी। सारा टूटा नहीं मिलता, 2,000 का कहाँ से लेके आए? टूटा बताओ, कहाँ से ले आए? सारा सवारी दे दे लो भैया ला के दो, कहाँ से लाए 2,000? सारा 1,000 चलो मिल भी जाता था, 500 का मिल जाता है, सारा 2,000 कहाँ से ले आए? टूटा सब कहीं मांगने जाओ तो भी वो भगा देता है। लेकिन कहते हैं कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया भैया, जो आतंकवाद कुछ नहीं कहता, बस सब वही है, बस दिखाने का जरिया है, बस माने तो पत्थर भगवान है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके की तैयारियां हैं बहुजन समाज पार्टी की माननीय कांशीराम साहेब के 15वें महापरिनिर्वाण दिवस की, और ये पूरी तैयारियां हमने आपको दिखा दी जो बाहर से हैं, और कल यहां के अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये माननीय कांशीराम साहेब का स्मारक स्थल है जिसे मायावती ने बनवाया है उनकी याद में, और कल इसके अंदर जिस तरीके की भीड़ की उम्मीद की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ता, 4-4.5 लाख की ऐसा अंदाज़ा है कि लगभग इतनी भीड़ होगी, और जितने भी तमाम नेता हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, मायावती से लेकर सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम अलग अलग उनके कार्यकर्ता, अलग अलग जितने भी विधायक और बाकी अन्य कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। कल का नज़ारा भी आपको हम दिखाएंगे और कल की पूरी कवरेज आप देख पाएंगे बहुजन टीवी पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।